नमस्कार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। पिछले दिनों घुटने की सर्जरी कराने वाले एरोन फिंच को ही टीम की कमान दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अब तक एक बार भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। ऐसे में टीम ने चौंकाते हुए जोस इंग्लिस को टीम में जगह दी है। 26 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज इंग्लिस ने हालांकि टी20 बिग बैश लीग और इंग्लैंड में टी20 टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड कप के मुकाबले 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूएई और ओमान में मैच होने हैं। टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पिछले दिनों उसे बांग्लादेश और वेस्टइंडीज से हार मिली। टीम लगातार 5 इंटरनेशनल सीरीज हार चुकी है। इस कारण झाय रिचर्डसन, एंड्रयू टाय, जेसन बेरनडॉर्फ, एलेक्स कैरी, मोइसेस हेंड्रिक्स, जोस फिलिप और एस्टन टर्नर को टीम में शामिल नहीं किया गया है। ये सभी खिलाड़ी टीम में जगह बनाने की रेस में थे। जोस इंग्लिस ने भले ही इंटरनेशनल मुकाबला अब तक नहीं खेला हो, लेकिन टी20 में उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। वो 63 मैच में 33 की औसत से 1645 रन बना चुके हैं, 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं। पिछले दिनों उन्होंने इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट में लिस्टर शायर की ओर से खेलते हुए नाबाद शतक लगाया था। बतौर ओपनर उतरे इंग्लिस ने 61 गेंद पर नाबाद 118 रन बनाए थे, 10 चौके और 8 छक्के जड़े थे। उन्होंने लिस्टर शायर की ओर से 14 मैच में 531 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176 का रहा है। ये टी20 के हिसाब से बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम एरोन फिंच, एस्टन एगर, पैट कमिंस, जोस हेजलवुड, जोस इंग्लिस, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्विप्सन, मैथ्यू वेट, डेविड वार्नर और एडम जंपा हैं।